आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घिया के कोफ्ते की सब्जी। ये घिया के कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे मेरे इस रेसिपी से। रेसिपी की खास बात ये होगी कि कोफ्ते अंदर तक ग्रेवी को बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे और खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा सब्जी का। और जो ग्रेवी है ना वो बिल्कुल भी पानी पानी जैसी नहीं बनेगी, कुछ रेस्टोरेंट टाइप ग्रेवी तैयार होगी और सिंपल घर के सामान से ही। किसी भी तरह की क्रीम या काजू का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने आधी किलो घिया का यूज़ किया है। घिया को अच्छे से धोकर कट करके उसको कद्दूकस कर लिया है मैंने। कद्दूकस करने के बाद इसका पानी हाथों से निचोड़ कर निकाल लेंगे, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा। ज़्यादा दबाकर पानी निकालने की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें जब कोफ्ते बनाने के लिए हम बेसन ऐड करेंगे ना तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। पहले मैं इस प्लेट में से इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी और फिर इस तरह से इसे सबको अलग अलग कर लेंगे। इसे अलग करने के बाद इसमें ऐड करेंगे बेसन। यहाँ पे मैंने एक कप के करीब बेसन डाला है। पहले आप बेसन को मिक्स करके देख लें, अगर आपको बेसन की क्वांटिटी कम लगे तो इसमें और थोड़ा बेसन ऐड कर लें। बेसन डालने के बाद इसे मैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूंगी। बेसन अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाली है एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ी चम्मच देगी मिर्च, ये ऑप्शनल है, एक चम्मच जीरा पाउडर डाला है और एक चम्मच हमने चाट मसाला डाला है। और यहाँ पे लास्ट में ऐड करेंगे नमक। यहाँ पर हमने एक चम्मच नमक डाला है, अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें। सभी मसालों को अच्छे से अपने पेस्ट में मिक्स करेंगे। सारे मसाले और बेसन को मिक्स करते हुए ना वैसे तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि निचोड़ने के बाद भी है ना घिया में पानी रह जाता है। तो आप कोशिश करके पानी बिना डाले ही आप इसमें आप इसी तरह से इसको मिक्स करते हुए एक पेस्ट तैयार कर लें। कुछ देर मिलाते रहेंगे ना तो कुछ इस तरह का आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को बनाते हुए ना हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। यहाँ मैंने पहले से ही कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम करने के लिए रख दिया था। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और पकौड़ों की शेप में हम इसमें डाल देंगे। मैंने इन पकौड़ों का साइज़ थोड़ा छोटा रखा है। शेप और साइज़ बिल्कुल मैटर नहीं करता है, आप छोटी बड़ी कैसे भी बनाएं पर टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। कुछ मैंने इसमें इस तरह से गोल करते हुए इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाई हैं और कुछ मैंने इसे ऐसे ही डाल दिया है बेसन को। तो आप जैसे चाहें वैसे इनको बनाएं, हर तरीके से बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बनेंगी। जिस तरह से नॉर्मल हम पकोड़े फ्राई करते हैं ना तो बिल्कुल हमें इसी तरह से हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। अलटते पलटते हम इनको फ्राई कर लेंगे और देखिए कुछ हमारा इस तरह से ये एक बैच फ्राई भी हो गया है। सभी पकोड़ों को हम किचन टावल या टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। देखा आपने कितनी जल्दी और फटाफट बन जाते हैं। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इसमें अपना सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो ये वाले कोफ्ते भी हमारे बनके तैयार है। इनको भी निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। इनको फ्राई करते समय ये ध्यान रखें कि हमें इनको ज़्यादा डार्क कलर का फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे कढ़ाई में से मैंने सारे कोफ्तों को निकाल लिया है। तो सेम ही कढ़ाई में हम लेंगे इसको, एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देंगे और बचे हुए ऑयल में हम अपना ज़ीरा डालेंगे। यहाँ पे हमने दो तरीके के खड़े मसालों का यूज़ किया है। यहाँ पे दालचीनी लिया और ये स्टार वाला भी लिया है। और जो ये स्टार वाला मसाला है ना, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसमें मैंने डाली है दो मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज। अगर आपको चॉप प्याज नहीं डालनी है ना तो आप इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। हाफ प्याज फ्राई होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो प्याज को एक से दो मिनट लगता है फ्राई होने में, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए जब तक हमें इसको फ्राई करना है। तो प्याज हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर पेस्ट। यहाँ पे मैंने दो टमाटर का यूज़ किया है। टमाटरों को भी अच्छे से यहाँ पे फ्राई करेंगे। अगर आप टमाटर और प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे ना तो आपकी सब्ज़ी वैसे ही बहुत बढ़िया बनेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ना कि ऑयल साइड में रिलीज होने लग गया है। तो अब बस हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से फ्राई हुए हैं। इन खड़े मसालों को मैं निकाल देती हूँ, इनके फ्लेवर आ गए हैं सब्ज़ी में। प्याज और टमाटर का ये पेस्ट बनके तैयार है। अब इसमें कुछ हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। एक छोटी चम्मच मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक चम्मच हम किचन किंग डालेंगे और एक चम्मच हम देगी मिर्च, एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर भी ऐड किया है। इस पेस्ट में हम इन मसालों को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का मसाला आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसमें डालेंगे एक गिलास पानी। यहाँ पे मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है। बस मसाले में इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस इसमें हम अपने ये बने हुए कोफ्ते ऐड करेंगे।
अगर आप ठंडे पानी का यूज़ कर रहे हैं ना सब्जी बनाते समय, तो आप पहले उसको अच्छे से उबालेंगे और उसके बाद ही कोफ्ते ऐड करें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक। नमक यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और नमक को भी मैं यहाँ मिक्स कर लूँगी। डालने के बाद उसे मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे। और बस ये हमारी कोफ्ता करी बन के एकदम रेडी है। जैसे ही ढक्कन हटाए ना, इतनी अच्छी और टेस्टी इसमें से खुशबू आई ना। लास्ट में हम इसे गार्निशिंग करेंगे हरे धनिया की पत्ती के साथ। सर्व करते समय हरा धनिया जरूर डालें, और भी बढ़िया लुक देती है सब्जी। और चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस पर। तो यहाँ मैं इसको सर्व कर लूंगी। एकदम परफेक्ट कोफ्ता करी बन के हमारी तैयार है। वैसे तो बच्चे घिया कम ही खाना पसंद करते हैं, पर आप इस तरह से एक बार कोफ्ते बना के उनको सब्जी देंगे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इसी के साथ ये कोफ्ते हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बने थे। और आपको अगर ये रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।